हेलो व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। आई होप यू आर डूइंग वेल। तो अब आपने हमारी क्या कहते हैं छोटा क्लास वाली सीरीज देख ली होगी। तो अब आज क्या कहते हैं दोबारा एक प्लान बनाया कि जंगल को घूमने का, क्योंकि कह रहे हैं जानवर वानवर बहुत आए जंगल में, तो जानवर को देखते हैं। और बताना आपको यार क्या कहते हैं, वैसे तो छोटा क्लास में सही रिस्पॉन्स है, लेकिन थोड़ा और रिस्पॉन्स बढ़ाओ यार। क्या कहते हैं बहुत मेहनत से वो वीडियो बनाई थी। तो ठीक है, चलिए चलते हैं अपने दोस्त के वहाँ और सीधे मिलते हैं आपको रास्ते में, जहाँ को हम जंगल को जाते हैं दोस्तों के साथ। क्या कह रहे कितने लाऊंगा क्या क्या परेशान कहाँ पर आई यार पेटीज की दुकान है अपना बच्चे का टावर। अच्छा, जो पन्ने होते नहीं पूरे करते बहुत कुछ बयां, मिल जाऊंगा तुझसे फिर उन किताबों में हो जहां जिक्र तेरा। बता चुन्नू ब्रो कहाँ है वो तुम? यहाँ पे वंशी का टावर में इनकी शॉप है, बहुत बढ़िया केक बनाते हैं, आप भी आइएगा। और बिल्कुल एगलेस है, एगलेस स्पंज के साथ। अभी तुम क्या लेने आए हो? हम अभी पेटीज लेने आए। कौन सी पेटीज? देख लीजिए दुकान है, और यहाँ से लेने आए हमारे चुन्नू ब्रो। सुबह शाम है तू है सही या मैं हूँ सही किस पे पता है समना नहीं। अगर हम केदारनाथ बद्रीनाथ जाएंगे ना तो इस मेरी वाली गाड़ी में लगा के चल लो 2000 तक का दे। नहीं तो 2000 बहुत होता है, कम ज्यादा से ज्यादा कह रहा 2000 या बहुत ज्यादा से ज्यादा, बहुत ज्यादा से मैक्सिमम। और कम से कम मेरे उसमें मिल जाए जहाँ तक होगा मेरे। नहीं नहीं, हाँ बद्रीनाथ भी जाओगे केदारनाथ के बाद तो लग जाएगा, तब तो लगेगा 2000 तक तो लगेगा। अगर हम केवल बद्रीनाथ निकलते हैं तो उसमें 1500 तक का हो जाएगा। नहीं, एक चक्कर खाली मारेगा तो बहुत कम हो जाएगा, दोनों का 2000 लगा के चल दो, क्योंकि 300 किलोमीटर 300 ज्यादा कार में ज्यादा तेल नहीं लगता है बद्रीनाथ में। मेरे दोस्त लोग CBR 250 लेके गए थे, खाली केदारनाथ गए थे, उनका ही क्या कहते हैं 1600 रुपए का तेल का खर्चा आया, 250 CC भी CBR। वो पिछले गेट में गए थे हम लोग, अभी तो 250 CC कहाँ पर कितने का एवरेज देते बता दो। CBR करती गाड़ी लगा ले 22 जैसे एवरेज देती है, उसमें गए केदारनाथ घूमने के लिए पागल होगी तरह के, सिंगल सिंगल होके गए। इतना बड़ा हाईवे बन रहा है, कोई भी गाड़ी चल जाती है, प्लेटिना चले जाती है, जब तक हम जाएंगे तब तक बड़े ही हो जाती है रोड वहाँ। इसलिए मैं ठंडी में भी आता होगा जब बर्फ में बारिश होती है। अगर आप 5 जने हो तो मैं तो बर्फ सेंटर लेके चलेंगे। चल ढूंढ लाए सारी मासूम सी लिया। कैमरे में आया होगा यार वो, कैमरे में आ गया। गया कहाँ इधर को? नील गाय थी ना, नील गाय थी। अभी अभी हमने नील गाय देखी अंदर को भागते हुए, अभी कैमरे में रिकॉर्ड हुई या नहीं हुई पता नहीं,
फिर जी आगे से हमारे आ जाती है, गाड़ी भी गिरा देती ना ये सारे भागी। कैमरे में आई हो यार, खाली मजा आता है। कैमरे में आई होगी लेकिन भागी थी तेज़ है कि कैमरा ने रिकॉर्ड में सही नहीं कर पाया था। एक सेकंड बार तो हमारी कार के ऊपर से उछल के गई है। तेज होती है ना घोड़े से भी तेज होती है। क्यों तुम तो लोगों ने देखी नहीं? देखी बता नहीं देखी बता नहीं देखी शाम है। तू है सही या मैं हूं सही, किस पे ये इल्जाम है? आंखें मेरी सपना तेरा, सपने सुबह शाम है। तू है सही या मैं हूं सही, किस पे ये इल्जाम? कुत्ते मार देंगे, कुत्तों को मार देंगे, कुत्तों को मार देंगे। जिसने जिसने रुलाया। जंगल में जा रहे हैं हम लोग घूमने के लिए और अपने चुन्नू ब्रो के साथ आज मैं बैठा हूँ। और अपना आज दूसरी पार्टी आई है, कन्नू दा आए और रवि ब्रो आए हैं जो पीछे पीछे चल रहे हैं। पूरा दोबारा जंगल को देख रहा है। अभी हमने थोड़ी देर पहले नील गाय देखी। नील गाय देखी, अगर कैमरे में दिख सकती है तो दिख जाएगी, मगर हमें लग तो नहीं रहा कि वो हम इतने आगे से निकली थी, कुछ सेकंड लगे थे हमें भी देखने में। अब देखते हैं आगे आगे हमें अगर रास्ते में कुछ मिलता है तो आपको दिखाते रहेंगे। ऐसी है जंगल अपना बिल्कुल। आजकल गर्मी आने लगी है तो सूखना चालू हो गया जंगल में। और ये रोडें जो हैं पूरी ऐसी है, पूरी ऑफ रोड होती है। तो सबसे बढ़िया गाड़ी अगर आपको सस्ती गाड़ी चाहिए तो मैं रिकमेंड करूंगा कि हीरो की आप ले सकते हैं। हीरो क्या नाम है इसका पूरा? हीरो स्प्लेंडर प्लस। हीरो स्प्लेंडर प्लस ले सकते हैं आप, क्योंकि सबसे बढ़िया गाड़ी है। एक एवरेज भी अच्छा है इसका और ऑफ रोडिंग से लेके आप सारे काम कर सकते हैं। और पंजाब की तो ये सानी मानी जाती है गाड़ी। सही कह रहा हूं गलत कह रहा हूं चुन्नू ब्रो? बिल्कुल सही बात कह रहे हो। आपकी मतलब समझ लो छोटी बुलेट हुई अपनी, ये छोटी बुलेट अपनी स्प्लेंडर हुई। इसकी रीसेल लोग इसको इसलिए ज़्यादा लेते हैं, रिकमेंड करते हैं क्योंकि इसकी रीसेल वैल्यू अच्छी है। और क्योंकि वैसे भी हीरो का स्प्लेंडर का बहुत पुराने से चलती हुई आ रही है तो ज़्यादा तो लोग इसे ज़्यादा रिकमेंड करते हैं इसलिए। चलिए देखते रहिए, जंगल का पूरा व्यू मैं आपको दिखाते रहूँगा। और हाथी हाथी का ही देखेगा तो वो भी आपको दिखाऊंगा मैं। ऐसे मोड़ है कि आप जंगल में खो जाएंगे, वो तो हम आते रहते हैं इन जंगलों में तो हमें पूरा पता है कि रास्ते कहाँ से किधर को जाते हैं। ये तो जिस हिसाब से यहाँ जंगल है इतना, मतलब कहते हैं कि यहाँ एक चमकिया झाड़, क्या कहते हैं, चमकिया झाड़। हाँ, जो चमकिया झाड़ होता है अगर वो किसी को लग जाए तो बड़ा टफ पड़ जाता है उसको एक रास्ता ढूंढना, क्योंकि रास्ता भुला देता है। ऐसा एक झाड़ होता है जंगलों में, वो देखा नहीं गया आज तक क्योंकि वो दिख ही नहीं पाता कोई। एक भनचक्कर टाइप का लगा देता है, भनचक्कर की इंसान को सोचने मजबूर कर देता है। कि इंसान सोचते रहता है कि भैया मैं किस लोकेशन में आ गया हूँ, उसको लगता है कि मैं तो यहीं पर खड़ा हूँ, उसको लगता है कि मैं अपने डेस्टिनेशन पे पहुँच गया हूँ, मगर वो इंसान घूम फिर के उसी जगह आ जाता है। तो वो उसको कितने टाइम लग जाता है, मगर इसके लिए अगर रिकमेंड करना चाहे तो इंसान को बहुत जल्दी लगता है, मगर कभी जानवरों को नहीं लगता है वो। अगर कोई नया नया बंदा आ रहा है तो अपने साथ अपने डॉग वॉग लेके आ सकता है, या फिर पहले के लोग जब लकड़ी वकड़ी काटने अपने बैलों के साथ जाते थे तो उनको लग जाता था, तो वो अपने बैलों केवल अपने बैलों के साथ डल्लब में बैठ के और बैल उनको केवल उनके डेस्टिनेशन मतलब जहाँ उनका घर था वहाँ तक ले आते थे। तो कभी जानवरों को जानवरों पर वो नहीं हो पाता, क्योंकि जानवर जंगल तो उनकी उन्हीं का हुआ, घर उन्हीं का हुआ। तो इसलिए जैसे कि हमारे दादाजी लोग जब थे यहाँ तो वो आते थे जंगल में तो उनको चमकिया झाड़ लगता रहता था, तो क्या करते थे, जो बैल की रस्सी होती है उसको खोल देते थे और अपना पीछे बैठ जाते थे, तो बैल अपना खुद ही चल चल के अपना आपको डेस्टिनेशन में जहाँ पर आपको घर है वहाँ खुद ही ले आता था, क्योंकि वो
आदत हो जाती थी उसको, और उसको चमकिया झाड़ भी नहीं लगता था, तो लोग ऐसे ही करते थे क्योंकि उस टाइम में चमकिया झाड़ लोगों को बहुत लगता था क्योंकि लकड़ी काटने। अब तो चलो गैस का सिस्टम है, पहले तो सब लकड़ियाँ होती थी तो लकड़ियाँ के लिए जंगल आया जाता था लकड़ियाँ काटने के लिए, तो उस टाइम में चमकिया झाड़ बहुत लगता था। तो कभी भी आओ तो संभल के आओ और रास्तों को याद रखो, अगर पहली बार आए हो तो कोई ऐसी प्रूफ बनाओ कि याद है, देखिए जैसे एक रोड यहाँ से ये जा रही है, तो ये आपको कंफ्यूज करती है बिल्कुल कि हम किधर से आए थे किधर से नहीं आए थे। छोटा रास्ता तो दिख रहा है, यही आपको पूरा कंफ्यूज कर देगा कि किधर को जा रहा है। अगर पहली बार बंदा अगर जंगल में ट्रेवल कर रहा है और उसके साथ कोई अनएक्सपीरियंस बंदा नहीं है, अरे कहना क्या चाहते हो, तो मैं तो ये रिकमेंड करूंगा कि उसको ट्रेवल तो पहले करना नहीं चाहिए, क्योंकि जंगल ऐसा है कि जंगल में अगर एक बार इंसान अगर भटक गया तो वो फिर कहाँ से कहाँ पहुँचेगा उसको खुद नहीं पता चलेगा, कहाँ जब ऐसे जंगल में आबादी है नहीं और जंगली जानवर है। तो अगर मैं यही रिकमेंड करूँगा कि अगर कोई भी अगर जंगलों में आए, अगर जंगलों में ट्रैवल कर रहा है तो वो किसी एक्सपीरियंस बंदे के साथ चले, वरना अगर बंदा, अगर आपने वो देखी होगी मूवी तो अली बाबा 40 चोर, जैसे उसमें हर घर के आगे एक मार्क लगा देता था कि, तो ऐसी आप अगर किसी भी रास्ते में जा रहे हैं तो एक पेड़ में अपना क्रॉस का साइन लगा लीजिए, ताकि अगर कल के दिन आप अगर भटक भी गए तो उस क्रॉस के साइन को देखते देखते आप अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंच जाएं। तो चुन्नू भाई ये जंगल कितना बड़ा है, क्योंकि मैं तो अभी, मेरे को इतना टाइम नहीं हुआ है जंगलों में आते हुए, लेकिन ये हमारे जो भाई हैं आते रहते हैं तो उनको शायद पता होगा कि ये जंगल कितना बड़ा है। देखिए ये जंगल है हमारा बहुत बड़ा जंगल है, ये पूरा आपने कॉर्बेट नेशनल कॉर्बेट सुना होगा, तो ये हमारा ये जंगल अपना कॉर्बेट के अंदर ही आता है। तो ये जंगल आपका स्टार्ट हो जाता है नीचे उधम सिंह नगर से, और ये पूरा रामनगर रेंज पूरे पहाड़ों तक फैला हुआ ये जंगल है। रिस्ट्रिक्टेड एरिया है, वैसा आना नहीं आते हैं नहीं, मगर हम गांव वाले हैं, पुराने हैं, तो हमें पता है कि हम जंगल में कहां कहां से कहां पर पहुंचेंगे करके, मगर अलाउड है नहीं इसके अंदर जाना वैसे, मगर वैसे रिकमेंड तो नहीं करेंगे हम कि भयंकर जाया जाए करके। ये देखिए कितना घना जंगल है, यहाँ से मैं आपको दिखाता हूँ, रुकिए, कितना घना जंगल है कि डर लगता है बिल्कुल देख के भी जगह पे। पूरा जो जंगल है बहुत घना है, यहाँ से जो जंगल चालू होता है पूरा घना जंगल चालू होता है, तो बहुत डर लगता है यहाँ पर, जानवर वानवर आते रहते, छोटे मोटे जानवर तो आपको दिखते ही रहेंगे यहाँ पर, और मैं आपको अभी दिखाऊंगा अगर कोई दिखता है जानवर तो, क्योंकि ऐसा है कि अभी हम दिन के टाइम में आ रहे हैं, दिन के टाइम में जानवर इधर को कम आता है, बिल्कुल बीच जंगल जो होता है बिल्कुल और तगड़ा जंगल है वहां पर रहता है, इससे अंदर देख लिए। ये जंगल अपना कॉर्बेट के अंदर ही आता है, ये जंगल भी पूरा कॉर्बेट में है, और यहाँ हाथी मिल जाएंगे आपको और बाघ मिल जाएंगे आपको, यहाँ को सारे जानवर ही है जंगल में लगभग लगभग, बस शेर शायद नहीं है यहाँ, और सभी जानवर आपको मिल जाएंगे। हाथी तो यहाँ बहुत ही, और हाथी आजकल बड़ा उत्पात मचा रहे हैं यहाँ। ये थोड़ा टेढ़ा हुआ वो गाड़ी भैंस के साइड भी आ गया। अब हम पहुंच गए खत्ते की जमीन पे, और हमारे दोस्त लोग पीछे चाय आए पी रहे हैं, और मैंने चाय पी ली और छोले भी खा लिए, और देखिए जंगल के बीच में पूरी कैसे खेती होती है मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए चारों तरफ से जंगल और बीच में जमीने हैं, इन्हें खत्ते की जमीन कहते हैं, खत्ते की पूरी खेती खेती है, और पीछे को सब जंगल ही जंगल है, और दोस्त लोग वहाँ पर चाय पी रहे हैं, समोसे खा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। चले मिलते हैं आपको दोबारा रास्ते में। सुवर नहीं था, कह रहा हूँ हिरन था, अरे हिरन वाला था, क्या नाम है तुम, झांक छोटा वाला, हाँ काकड़ जी वो था, सुवर था, अरे काकड़ था यार, तू सुअर कहाँ से दिख जा रहा हो, काकड़ था वो,
अभी अभी चुन्नू ब्रो हमें क्या दिखा? काकड़ दिखा, काकड़ इसी जंगल में गया है, कुछ तो है यार वो। यार मुर्गी जंगली मुर्गी है। गाड़ी रास्ते में जंगली मुर्गियां मिल गई थी, तो उन्हें देखते देखते क्या कहते हैं फिर वीडियो बनाना भूल गया मैं, और अब सीधे घर आ गया हूँ। और पकड़ना तो खैर नहीं उनको, लेकिन खाली देख रहे थे हमको। तो अब इस ब्लॉग को एंड करते हैं और आपसे मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। अब जा रहा हूँ खेलने के लिए, और जब तक के लिए अपना ध्यान रखें। मजबूर जैसा।